Hello friends, let's start the Net Psychology July 2018 paper. So here we just solved out it. सबसे पहला जो क्वेश्चन है, in Erikson's theory, which psychosocial crisis precede and succeed autonomy versus shame? Okay, so इसमें देखिए autonomy versus shame के बारे में इन्होंने social crisis precede and succeed. तो this one, yes. So autonomy versus shame means is that कि autonomy versus shame को पहले precede and succeed यानी कि इससे पहले कौन सा आ रहा है, that is precede and succeed, इसके बाद इसे succeed कौन करेगा. तो चलिए let's move to the option. So here it is, that is basic trust versus mistrust. Okay, ये पहले आएगा, then autonomy versus, then initiative versus guilt. तो better is that कि इसकी एक पूरा chart है, उसे आप prepare कर लें. Now come to the next question, question number 2. Read each of the following. That is a question, assertion, reason. Lots of assertion and reasons questions is here. आप अभी solve करेंगे तो आप उसे देखेंगे. Assertion, owner found high level of motive to avoid success or fear of success in females. It's right. ठीक है, ये सही है ये स्टेटमेंट. रीज़न, अब इसका रीज़न क्या है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेस द थ्रेट ऑफ सोशल रिजेक्शन एंड फियर कंसर्निंग परसीव लैक ऑफ फेमिनिटी आर अराउज्ड इन वुमेन. तो इट्स ऑल्सो करेक्ट. तो सबसे पहले हमें देखना होता है एजर्शन रीज़न, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड इट्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन इज हेयर दिस वन, A and R true, and R is the correct explanation of assertion. So चलिए अब ये match list वाला है, इसे देख लेते हैं. Match list first with the list second. Okay, now move to question number 3. Okay, so concept and explanation. So first we need to read the concept. Okay, so life is peace, instinctual behavior, vacuum behavior, task resumption. Okay, these four. तो अब हमने सबसे पहले ये इसलिए पढ़ना होता है कि हमें अगर इनमें से एक के बारे में समथिंग कुछ भी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है तो हम बहुत ईजिली कर लेंगे इसे. देखिए मैं अभी बताती हूँ, बहुत ईजिली हो जाएगा. जैसे लाइफ स्पेस हो गया, इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, वैक्यूम बिहेवियर एंड टास्क रिजम्पशन. सो ईजी फाइंड आउट इट, टास्क रिजम्पशन दिस वन. सो टास्क रिजम्पशन इज यस टेंडेंसी टू रिज्यूम द that is resume the previously unfinished task during intervening period. okay, so task resumption is what, कि जब हम किसी चीज़ को मतलब previously हमने unfinish किया हुआ था उस task को during the intervening period में दोबारा resume कर लेते हैं. so उस tendency को हम कहते हैं task resumption. okay friends, तो हम इसमें अब elimination method लगा सकते हैं. okay, so देखते हैं D option 3. okay, now check out, yes D option 3. so ये गलत हो गया, ये गलत है, ये गलत है, ये ही मैच कर रहा है. तो देखा आप लोगों ने, इट्स जस्ट रियली वेरी सिंपल, इट्स अ ट्रिक कि हाउ टू यूज़ द एलिमिनेशन ट्रिक्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये मिल जाता है तो आप उसे छोड़ सकते हैं. ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, सो हियर इज़ अ लाइफ स्पेस. Life is based psychological reality depicting the totality of facts that determine behavior at a moment in true. It counts of environment as perceived by the person. okay, so that is match with this. And what is vacuum behavior? Okay, so now vacuum behavior, what is vacuum behavior? So vacuum behavior, behavior patterns that appear when the sign is stimulus. ओके, व्हेन द साइन स्टिमुलस इज नॉट आइडेंटिफिएबल, व्हेन द साइन स्टिमुलस जो है वही आइडेंटिफिएबल नहीं हो पाएगा तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, वैक्यूम बिहेवियर कहेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज बिग वैक्यूम बिहेवियर. एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, सो इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर इज रिमेनिंग ओनली व्हाट वन, इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर, इवन अगर आपने पढ़ा भी ना इसके बारे में, तब भी आपको अगर ये मिल जाते हैं तो आप इसके थ्रू ये पता कर सकते हैं, अनलर्न फिक्स्ड स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ एक्टिविटी. ओके, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज assertion एंड रीजन अगेन. सो assertion एंड रीजन, perceived fairness of the interpersonal treatment is used to determine organizational outcomes. yes, statement is right.
एंड रीज़न पीपल एक्सपेक्ट इन्फॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी इन रेस्पेक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली अगर कहीं पर ट्रांसपेरेंसी होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके मतलब इंटरपर्सनल जो ट्रीटमेंट है प्रोसीड फेयरनेस के साथ में हो रही है, फेयरनेस आ रही है उसमें, क्लियरिटी है, तो उससे क्या होगा, रीज़न क्या है उसका, उससे ट्रांसपेरेंसी डेवलप हो रही है और उससे ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट भी बढ़ेगी, है ना. तो बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इट्स ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ओके सो इट्स यस एजम्पशन रीजन बोथ आर करेक्ट. सॉरी फ्रेंड्स, सो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट हो गया. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. अगेन मैचिंग वाले हैं, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग सच काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन. देखिए अब यहाँ पे भी हमें वही करना है, सेम ट्रिक हम यूज़ करेंगे. ये कंसेप्ट है एंड दैट इज कंसेप्ट, दैट इज एक्सप्लेनेशन. एपिसोडिक रिट्रीवल, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्रीवल, स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल, क्यू डिपेंडेंट रिट्रीवल. सो व्हेन वी रीड दीज फोर, सो कहीं कुछ तो आपने कभी इसके बारे में पढ़ा ही होगा और आपको एकदम से स्ट्राइक करेगा एग्जाम में, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है तो हमारा माइंड भी मेकअप रहता है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए. सो जल्दी से देख लेते हैं क्यू डिपेंडेंट रिट्रीवल. सो हेयर आई एम जस्ट हैविंग अ फास्ट मेमोराइजिंग, जो हो रहा है वो क्यू डिपेंडेंट रिट्रीवल हो रहा है. सो क्यू इज समथिंग रिलेटेड विद हिंट्स. सो क्यू डिपेंडेंट रिट्रीवल इज रिट्रीवल स्टिमुलेटेड बाय hints from the external and the internal environment, so that is match with this. So हम अपनी trick के according देख लेते हैं यहाँ पर trick काम करती है या नहीं. okay so D हमने match किया था third के साथ में. okay so trick is working guys, ये देखिए. yes this is, so option number 4 is correct over here. Q dependent match with this one. ओके सो अब हम आगे देख लेते हैं स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल. स्टेट डिपेंडेंट, इफ वी टॉक अबाउट द स्टेट डिपेंडेंट रिट्रीवल, सो इट इज मूड एट रिट्रीवल मैचिंग दैट एट इनकोडिंग. ओके सो दैट इज मैच विद दिस राइट. एंड नेक्स्ट इज एपिसोडिक रिट्रीवल. इफ वी टॉक अबाउट द एपिसोडिक रिट्रीवल, सो एपिसोडिक रिट्रीवल इज सब्सिक्वेंट रीएक्टिवेशन ऑफ स्टोर्ड मेमोरी ट्रेसेस. ठीक है, सो स्टोर्ड मेमोरी ट्रेसेस इज एपिसोडिक रिट्रीवल. ओके then context dependent retrieval, physical environment retrieval matching that at encoding. okay that is context dependent retrieval. so dekhiye okay it's fine. fourth, first and second. okay a ka fourth ho jayega then first. okay this is how we can solve fourth, first then second. okay and Q dependent match with this. so this is how you can use the elimination method. it's just really very good and working each and every exam. इसी exam में नहीं, हर exam में work करेगा, लेकिन आपको उसके लिए previous year 10 year के solve तो करने ही पड़ेंगे. now move on to the next question. number 6 is here without wasting a time. assertion is rational persuasion refers to the use of logical argument and facts to persuade others for achieving a desired result and reason. managers use several techniques to influence others in a organization. so that is a rational persuasion refers to use logical argument, है ना, or something is logical arguments, facts, persuade other, मतलब दूसरे को persuade करने के लिए हम लोग अगर facts और logical arguments लेते हैं तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा. ओके क्योंकि हम लोग वहाँ पे कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं. ऑब्वियसली रीजन क्या है, मैनेजर यूज सेवरल टेक्निक्स टू इन्फ्लुएंस अदर इन ऑर्गेनाइजेशन. यस एजम्पशन रीजन बोथ स्टेटमेंट करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजम्पशन. क्योंकि रीजन क्या होता है, इसके ही एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इस चीज़ को. सो ऑप्शन वन इज करेक्ट. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर फिर वही मैचिंग है, कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन ओवर है, काउंटर कंडीशनिंग, ब्लॉकिंग, ओवरशैडोइंग, कंडीशन सप्रेशन. ओके सो कंडीशन सप्रेशन, इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ क्लिक करती है तो दैट इज कंडीशन सप्रेशन. सप्रेशन इज व्हाट, सप्रेशन इज समथिंग इज इनहिबिशन ऑफ कंडीशन रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय कंडीशनड इमोशनल रेस्पॉन्स. ठीक है, देन अब हम अपनी ट्रिक को देखते हैं. डी मैच विद थर्ड ऑप्शन. So here we check out D with third. Yes, it's again working. Okay, this is as simple. Okay, as I am doing. ये इतना ही सिंपल है और ये ट्रिक वर्क करेगी क्योंकि सभी एग्जामिनर जानते हैं कि अगर आपको एग्जाम के अंदर टाइम के अंदर सॉल्व करना है तो इस तरीके की चीज़ें उसमें दी ही रहती हैं. बट हमें इनमें से एक पता होना चाहिए या फिर हमें समथिंग आइडिया होना चाहिए कि इसका ये तो नहीं हो सकता, इसका ये हो सकता है. ओके सो समवेयर नाउ वी जस्ट सॉल्व अनदर वंस. अब इसमें हम देख लेते हैं
Okay, so condition suppression, inhibition of conditioned response caused by conditioned emotional response. Okay, so now move on to the counter conditioning. Okay, so what is counter conditioning? Counter conditioning is something that elimination of undesirable behavior by pairing CS with CS is conditional stimulus. Okay, conditional stimulus. 1 minute.